जय श्री श्याम। उम्मीद करती हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ और कुशल मंगल होगा। बाबा श्याम की कृपा सदा आप सभी श्याम भक्तों पर बनी रहे। एकादशी और द्वादशी के दिन बाबा श्याम के भोग में हम क्या गलती करते हैं? बाबा श्याम के भोग में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बाबा श्याम के भोग में हमें क्या गलती नहीं करनी चाहिए। आप सभी जानते ही हो बाबा श्याम को एकादशी के दिन कच्चा दूध, फल, फ्रूट और मेवे का ही भोग लगाया जाता है और द्वादशी के दिन बाबा श्याम को खीर चूरमा, खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। इसके साथ साथ आप ये भी जानते ही हो दोनों दिन बाबा श्याम को भोग में तुलसी के पत्ते रखे जाते हैं। तुलसी के बिना बाबा श्याम भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। और आप सभी ये भी जानते ही होंगे कि एकादशी के दिन और रविवार के दिन तुलसी के पत्ते को तोड़ा नहीं जाता है। तब आपको इसका विशेष ध्यान रखना होगा कि एकादशी रविवार की तो नहीं है या एकादशी से पहले रविवार तो नहीं है। एकादशी से एक दिन पहले ही तुलसी के दो पत्ते उतार कर रख लेना, एक पत्ता एकादशी के दिन के लिए और दूसरा द्वादशी के लिए। यदि एक दिन पहले रविवार है तो आप शनिवार के दिन शाम के समय सूर्य अस्त होने से पहले ही तुलसी का पत्ता तोड़कर रख लेना, क्योंकि आप सभी लोग जानते हो कि एकादशी और रविवार के दिन तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ा जाता है। वैसे तो बेल पत्र और तुलसी पत्र कभी भी बासे नहीं माने जाते हैं। तो आप तुलसी का पत्ता भोग में रख देना, और अगर आप भोग में तुलसी पत्ता रखना भूल गए हो तो कोई बात नहीं, आप बाबा से माफ़ी मांग लेना, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी का पत्ता तोड़ा नहीं जाता है। अगर आप भूल गए हो किसी कारणवश या किसी कारण की वजह से तुलसी का पत्ता नहीं ला सकते हो तो वो एक अलग बात है। आपको बाबा श्याम के भोग में तुलसी पत्ता, तुलसी दल अवश्य रखना है, ना आपका भोग स्वीकार नहीं किया जाएगा। बाबा श्याम के भोग में बाबा श्याम को तुलसी अति प्रिय है, तो बाबा श्याम के भोग में तुलसी का होना अति आवश्यक है। तो हमें बाबा श्याम के भोग में यह गलती नहीं करनी है कि तुलसी का पत्ता ना हो। कोशिश करना कि बाबा श्याम के भोग में तुलसी का पत्ता अवश्य हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो कमेंट करें। हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा, जय श्री श्याम।